हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है, हम लोग जहां तक आज पढ़े हैं वहां तक के कुछ मॉडल पेपर से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और परसेंटेज के कुछ सवाल को लगाऊंगा। कुछ मेरे पास डाउट क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों के और कुछ मैंने खुद लिया है और उन सबको सॉल्व करेंगे। और पिछले साल के कुछ मॉडल पेपर मेरे पास है, उन मॉडल पेपर से जो अभी तक पढ़ा गया है उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए आप सब कैसे इसको समझ पाते हो, किस तरह हल करते हो, तैयारी आपकी कितनी है, कितना तक आप मतलब एडजस्ट कर रहे हो सवाल के साथ, उसको हम लोग समझेंगे और पढ़ाई करते हैं। तो चलिए एक सवाल, जैसे पहली है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला था मुझे लगाने को कि सर ये कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा, दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा था, प्रश्न में लिखा है कोई व्यक्ति है, मनोज है, वो अपनी कुल धनराशि का 25% क्या कर रहा है, वो मकान पर खर्चा कर रहा है। 25% मकान पर खर्चा करता है और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, और 40% मशीनों पर, 40% क्या हो रहा है कहीं और, मशीनों पर खर्चा करता है, ठीक है। और उसके साथ ही क्या होने वाला है, यहाँ पर 15% प्लाईवुड पर खर्चा करता है, 15% क्या होता है फर्नीचर पर खर्चा कर रहा है, ठीक। और साथ में ही 5% अन्य पे करता है, यहाँ पे जो 5% है वो अन्य जगह पे खर्च करता है ना, ये क्या है उसका पूरा खर्चा है। 25% मकान पर, 40% मशीनों पर, 15% फर्नीचर और 5% अन्य जगह पे खर्च कर रहा है। फिर साथ ही साथ क्या होगा कह रहे हैं, उसके बाद उसने क्या किया है, 261,000 है उसका क्या कर रहा, बचत कर रहा है, 261,000 का ये बचत, हाँ बचत लिखा है, ये इतना बचत करता है, ठीक है। और फिर पूछ रहे हैं कि उसके पास कुल आरंभिक राशि कितनी थी ना, कुल राशि कितनी थी उसके पास, शुरुआत में उसके पास कुल कितना पैसा था जो इतना बचा भी लेता है, इस हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ इसने खर्च किया है, राशि हमको पूछ रहे हैं, मैं ऑप्शन लिख के काम करूंगा, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे 16,06,000 है क्या, 1,66,000 मुझे ये तो आरंभिक राशि इतना है, बचत इतना कर लिया, 2,61,000 बचत कर रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लिख रहा होगा। और फिर 1,2,3,4 टाइम हो जाएगा 70,40,000, ठीक है, 1,85,000। ये लोग पता नहीं कैसे देते हैं ऑप्शन, भी मतलब देने का ढंग होता है। और उसका बताओ कौन सा होगा, बिना लगाए बताइए, बिना लगाए बताइए, कुछ नहीं लगाना इसको, इसको लगाएंगे वाला, आप अपने क्वेश्चन दिया था आपको बताओ कौन सा है। लेकिन देखो एक ही बात बताइए, इतना बचा रहा है उसके पास पैसा ज्यादा रहा होगा, अरे बचा रहा मतलब कुल राशि पहले सिस्टर रही ज्यादा नहीं होगी, 261,000 बच रहा है, तो क्या कुल मिलाकर 1,00,000 रहा होगा, हो नहीं सकता, 2,00,000 बचा देगा कहाँ हो सकता है, 1,85,000 हो नहीं सकता, 17,00,000 उसके पास पैसा था, इसका मतलब नॉन ऑफ बीस का चक्कर पा सकते थे, यहाँ नॉन ऑफ बीस हो सकता रहा हो, आइए दिखाता हूँ कैसे रहेगा। यहाँ पर क्या था उसके पास, क्या था 100% हर किसी के पास पैसा जो था, जो कुल राशि थी वो 100% थी, 100% में क्या किया उसने, 25% खर्च किया मकान पर और 40% क्या खर्च किया मशीनों पर, 15% खर्च किया फर्नीचर पर और 5% अन्य खर्च किया, ये इसके पास खर्च है, ये खर्च थे, ये कुल राशि थी, इसकी कुल राशि है, कुल राशि के पास 100% थी और खर्च इसने इतना कर दिया, बताइए कितना बचा होगा, वैसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40, 20, 60 होगा, 60, 10, 70, 80, 85, 85 हो जाएगा, इसके पास कितना बचा होगा, 15% बचा है क्या, और 15% बचत का मान कितना है, 26 ना, 261,000। देखिए 15% बचत का मान जो है, 15% का जो मान है वो कितना है, 2,61,000 है, इतना है। अब 1% बचत का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान जो होगा वो क्या होगा, अगर ज्यादा से कम का मान निकालते हैं, भाग करते हैं, यहाँ पे 26 हो जाएगा, एक यहाँ पे थीटा जीरो बटा में 26 हो जाएगा, 25-15 था वो दोनों का, 15 होगा। और इसके पास कुल कितना राशि था, हर किसी के पास 100% हम लोग मान के चलेंगे, इसका जो 100% का मान हो कितना हो जाएगा, 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणा में यहाँ पे 26 1 3 0 का बटा में 15 हो जाएगा, हल कर लीजिए जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। क्या किया गया है समझिए इसको, बहुत मतलब बहुत छोटा सा बेसिक ट्रिक से लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे इस टाइप के दो सवाल होती है, कहेगा अपनी कुल आमदनी का 25% इतना और शेष का इतना अगर ऐसा कहता तो वहाँ की सवाल अलग लगती है। जबकि अगर क्या कहा हो, कुल आमदनी का 25% और फिर 15% ना, सबका परसेंटेज किसी संबंध ना रखता हो, डायरेक्टली कुल राशि से पता संबंध रखता हो, तो यहाँ पे सवाल लगती है। इस टाइप के दो सवाल होती है, मैं लगाऊंगा बताऊंगा बाद में, लेकिन इसमें कि बहुत डीप सवाले नहीं आया करते, इसलिए मैं ऐसा इस पर चर्चा ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ।
यहाँ पे क्या होगा, इतना बचा रहा था तो कुल राशि मान लीजिए 100 रुपए थी उसके पास, इतना उसने खर्चा किया तो 100% में उसने 85% खर्चा कर दिया, 15% बचा, और 15% बचत का मान यहाँ पे 261,000 था, तो 1% बचत का मान कितना हो जाएगा, 15 से भाग कर देंगे, और 100% बचत का मतलब कुल राशि का मान होगा, कुल राशि का मान निकालेंगे सबसे गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत का मान लगेगा। अब यहाँ पे हल करके बताइए कितना आ जाएगा, और कितना बचा, 111 बचेगा, 15 7 105 होता है ना, 7 बार जाएगा 105, 6 11 60 हो जाएगा, और 15 4 60 हो जाएगा, इतना बचा, 3 0 यहाँ लगा देंगे, 3 0 होगा क्या, नहीं 1 का 0 बचेगा, 2 0 बचेगा ना, 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ का क्या बन जाएगा, जो आएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ये लगा यहाँ पे, फिर 15 से मैंने भाग किया इसको यहाँ पर, और यहाँ 00 था लग गया, और आपका उत्तर आएगा यहाँ पे 70,40,000 बन जाएगा, ये सवाल थे। ठीक, और ऑप्शन को भी देख के भी कर सकते थे, ऑप्शन देख कर यह लगा कि हाँ कुल राशि थोड़ी बड़ी राशि होगी, 2 लाख से ज्यादा होगी, इसलिए ऐसा कर सकते, लेकिन हो सकता है रन ऑफ दिस भी आ जाता उत्तर, क्योंकि रन ऑफ दिस था इसलिए लगाया गया यहाँ पे। क्या निकाला हम सबने, यहाँ बचत का मान निकाला, बचत क्योंकि हमको बचत की राशि पता थी, बचत का मान निकालेंगे, जो राशि पता होगी उसी का मान निकालेंगे, प्रतिशत से तुलना कर लेंगे, काम बन जाता है, प्रतिशत तक सवाल को ऐसे ही लगाया करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सवाल का टिक था, समझ में आ गई बात आपको, लीजिए अपनी सवाल आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे यहाँ पे कुछ टाइप के सवाल हैं, कल कुछ लगा था, कुछ आज भी लगेगा, उसी में आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, एक कोई चुनाव हो रहा है, वह चुनाव होने वाला है फिलहाल बहुत जल्द में ही, और इसी चुनाव के लिए चुनाव के सवाल है, सवाल मैं संकेतों में लिखूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से बस, और आप भी प्रश्न को बहुत ज्यादा डीप में लिखा ना करो, कि लैंग्वेज को लिखते ही जाएंगे। प्रश्न यह है, कोई विधानसभा चुनाव है, उसने उम्मीदवार, एक उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार एक कोई उम्मीदवार है, और उसको क्या मिला है, कुल वैध मतों के 55% मिले हैं, इसको जो उम्मीदवार को प्राप्त मत है, प्राप्त वैध मत, ये पहला कोई है जो वैध मत प्राप्त होगा, वैध मत होता है, वैध मत है वो 55% है, कितना का, ये कुल मतलब वैध मत प्राप्त होगा 55% होगा, किसका, कुल मत का ये 55% प्राप्त कर रहे हैं, जो पहला उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार जो है वो वैध मत का, कुल वैध मत जो प्राप्त कर रहा है, कुल मत का 55% प्राप्त किया है, ऐसा यहाँ कुछ होगा। फिर उसने क्या किया है कि कुल वैध मत होगा, वैध मत होगा इतना पद, इतना 55% वैध मत का है, ठीक है, इतना मिला है। फिर कह रहे हैं, और कुल मत यहाँ पे कुल मतों के 2% अवैध हैं, कुल मतों के 2% मत अवैध है, मतलब इनवैलिड हो गया है। और फिर क्या होगा, फिर कह रहे हैं कि उसके अनुसार यदि कुल मतों की संख्या कितनी हो, कुल मत जो है यहाँ पर हो रहे हैं हमारे पास 4000 और फिर कह रहे हैं, फिर उसके बाद हो रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े, उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, ये प्रश्न है, प्रश्न को समझा रहा हूँ, थोड़ा संकेत लिखा गया है। एक कोई उम्मीदवार है, कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें उसने क्या किया, कुल मत उसको जो मिला था, उस उम्मीदवार को प्राप्त जो मत था वो क्या था, वैध मतों का 55% प्राप्त किया, जो इनवैलिड था उसका 55% को मिला हुआ है, और कुल जो मत थे उन मत का 2% अवैध मान लिया गया था, और कुल मत यहाँ पे क्या है, 1,40,000 था ना, यही तो लिखा गया है। तो यहाँ पे और कह रहे हैं उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, मतलब वैध मतों का 55% पड़ा हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, यही का मान निकालना है, ये मान जो ये उम्मीदवार था इसके पक्ष में कितने मत पड़े थे, वैध का 55%, तो आपको वैध मत निकालना पड़ेगा। ऐसे कितने मत थे जो वैध थे, देखिए कुल मत तो इतना था, गांव में इतने लोग थे, यहाँ पे 2% क्या निकल गया, 2% अवैध निकल गया, 2% अवैध निकल गए, और कितना बचा होगा इसका, 98% क्या रहा होगा, वैध रहा होगा,
यही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, इसका इसका जो 18% मान निकालेंगे उसके 55% के बराबर हो जाएगा। तो इसका 18% बराबर इसका 55% हो जाएगा, तो इसको प्राप्त मत का मान आ जाएगा। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ इस संबंध को, फिर से समझाऊंगा। जो भी बातें हो, जो भी कंफ्यूजन हो, दूर जरूर किया करिए। सवाल को कैसे सेट करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती, हल्का फुल्का सोच कर और सवाल भारी सवाल को लगा देते हैं। मैं विकल्प भी देता हूँ, फिर काम करूँ। 56650, 56605 और फिर 56605, 56506। वैसे SSC के ना 10+2 मतलब CHSL में प्रश्न पूछा गया था। देखिए लगा के दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, उम्मीदवार को प्राप्त मत हमको निकालना था, जिसके मत इसको कितना मत पड़ा है, और जो मत पड़ा है वो वैध का 55% था। हम लोग को वैध मत निकालना पड़ेगा, 2% अवैध था, 18% वैध हो जाएगा। किसका, जो यहाँ पे 140,000 था, इसका क्या होगा, 98% जो होगा मत वैध है। ये क्या है, ये वैध मत हमको प्राप्त हो जाएंगे, ये वैध मत है। और कह रहे हैं कि जो वैध मत है उसका 55% मिला है, तो ये वैध मत ये है और इसका क्या मिला है, इसका 55% इसको मिला हुआ है। समझ में, सही लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, खुद सोचिए, कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं सवाल में कि कुल मत यहाँ पे 2% अवैध मान लिए गए, तो वैध कितने रहे होंगे, 98 रहे होंगे। कितने मत था इसका, 98% वैध हो गया, ये हमारा वैध मत है। अब फिर कह रहे हैं जो वैध मत है उसका 55% इसको मिला हुआ है, वैध मत इतना होगा, इसका 55% मिला है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को मिला हुआ मत का मान आ जाएगा। यहाँ से इसको हल करिए, बन के आ जाएगा 10, यहाँ पे 4000 होगा, और यहाँ गुड़ा में 98 होगा, फिर गुड़ा में 55 हो जाएगा, पूरा का बटा क्या हो, इसका बटा 100 लगाएंगे यहाँ आ जाएगा, इसका बटा 100 यहाँ पे लग जाएगा। हल करेंगे, उत्तर हमारा जो भी बनेगा सही बनेगा। आइए देखते हैं करके कैसे बन के आ रहा है। वैसे यहाँ पर ये डबल जीरो कट जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे इसको भी हटा सकते हैं, काटूंगा पूरा खट्टे, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 5 × 11 बार चाहिएगा, इसको भी काट दे, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अच्छा कर दे, नहीं करेंगे, नहीं है थोड़ा सा, इसको 100 से गुणा करना आसान हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 2 = 4 होगा, सही है, 52 आ जाएगा। अब देखिए 52 का 98 का और 11 गुणा करेंगे, जो मान आएगा वो बना लेंगे। इकाई का मान चेक कर एक बार, क्या 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 16, मतलब एक आएगा ना, इकाई का मान 6 आ रहा है, इकाई का मान 6 आने वाला, 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ 52 का हमको, हम सबको क्या करना पड़ेगा, 98 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 11 से गुणा कर देंगे, मैं कर रहा हूँ गुणा, 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 11 × 25 = 55, 55 × 2 कितना होगा, 57, सही है, कितना हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसका गुणा 98 करेंगे, 98 गुणा करना, देखिए थोड़ा सीख जाओगे बाद में, मैं क्या कर रहा हूँ, 100 में गुणा करके 2 से घटा दूंगा तो 98 गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा करने में क्या फर्क होता है, केवल 2 बार 0 बढ़ जाता है, बस 5 × 7 = 2 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 स्टार जो गुणा किए हैं 100 वाले में का, उसे वही 2 से गुणा करके घटा दीजिए, 2 से गुणा करके कितना आएगा, 2 × 2 = 4 होगा, 2 × 7 = 14 होगा, और फिर 2 × 5 = 10 = 11 बन जाएगा। इतना सा बना, इसे घटाइएगा जो आपका उत्तर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। गुणा करेगा तो इसी वाला आएगा, मान लिया मैंने, हाँ 9 में से 5 घटेगा 4 घटेगा 5 आएगा, यही वाला बन जाएगा। यहाँ पे गुणा करना आपका अपना काम होता है, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ने वाला, आप खुद सीख जाओगे आप अपना तरीका कैसे करने वाले होते हैं, ये सब मतलब बहुत बेसिक होता है। बनाइए किसी दिन किसी खास क्लास में, अच्छा विविध में तो यही चलेगा, विविध जो आपका चैप्टर इसमें है लास्ट में, विविध में वर्ग वर्गमूल घन घनमूल गुणा भाग करने का तरीका, और उसके साथ ही यहाँ पर गुणनखंड करना, ये सब चीजें वहां पे मिलेंगी। समय में बात आई या नहीं, देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसका। उम्मीदवार को क्या मिला था, प्राप्त मत कुछ मिला था, वैध मत का 55% था, कुल मत इतना है, 2% अवैध हो गया, वैध कितना बचेगा, 18% बचा। तो सवाल में लिखा है कि जो वैध मत है वो 18% है, इतना वैध है, और इस वैध का 55 मिला, 55 मिल गया इसको, इसका 55 का मान निकालेंगे वही उत्तर आएगा। इसका 18% था बटा 100 लग गया, 55% था बटा में 100 लगा देंगे, काट दिए सबको आराम से, और यहाँ पे मान आ जाएगा। गुणा करना, भाग करना, जोड़ना घटाना थोड़ा तेज करना पड़ता है, नहीं आए तो धीरे ही करो, लेकिन करने का प्रयास करो, है ना, ये चीज थी यहाँ पे। आगे और इसी के संबंध में लगाऊंगा एक आध दो सवाल, जिसे अगर ना 2-4 सवाल लगा लोगे तो अपने आप, हाँ लगता है कि ये नहीं आए तो ये वाले कुछ ऐसा हो सकता है कि आ जाएगा, इरेज कर सकता हूँ क्या, ना जरूर पूछा करिए ना, और कर लिया हल हुआ आपका, ठीक है। देखिए एक फिर से एक चुनाव की बात हो रही है, चुनाव में क्या हुआ है, 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं,
कोई चुनाव था उसमें दो उम्मीदवार भाग लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे और यहाँ पे क्या हुआ, एक ने एक को क्या मिला है, 60% मत मिला है, एक को 60% मत मिला और मिलने के बाद उसने क्या किया, और फिर वो एक वहां क्या हुआ, 1600 मतों से जीत गया। एक व्यक्ति है जिसको 60% मत मिला और वो 1600 मतों से जीत गया, और साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मत ज्ञात करें। इसको भी देखिए हम लोग लगाएंगे नहीं, अपने आप लग जाएगा। ये भी CHSL का प्रश्न है, वैसे 9000 हो सकता है, 8000 हो सकता है, सही कह रहे हो, 10000 हो सकता है, इसमें कोई बता दो सही। लगा रहा ठीक है, सही था। यहाँ पे इसका तरीका होता है, जब भी क्या होगा, इस सवाल को देखिए, दो उम्मीदवार थे, कुल मिलाकर कुल मत को हम लोग 100% मत कहते हैं, 60% पा गया जीत गया, 40% वाला इसका मतलब क्या होगा, दूसरा वाला 40% पाया होगा हार गया है। हमको दिया क्या है, सवाल वैसे लग रहे पिछले साल जैसी, 1600 है जो ये अंतर है इनके मतों का, ये क्या है मतलब इसको इतना पर, ये इतने से जीता है ना, इतने से जीत गया, इसका मतलब क्या, ये अंतर है, मतों का अंतर है, और इनके प्रतिशत, इसका एक का मान 60% दूसरा का मान 40% था, यही तो, एक का 60 दूसरा 40 रहेगा सिर्फ सी बात है। अब यहाँ पे हमको मतों का अंतर पता है, प्रतिशत का अंतर कितना है 20 है, प्रतिशत का अंतर 20 है, इस 20% का जो मान है वो कितना है 1600 है, और इसका मतलब क्या पूछा है, कुल मत पूछा है। अच्छा पहले वाले पूछता पहला वाला निकाल ले, दूसरा पूछा दूसरा निकाल लेते, लेकिन अभी क्या पूछा है, कुल मत पूछा है, कुल मत कितना था 100% था, अगर 20% का मान 1600 है यहाँ पे, फिर क्या होगा, 100% का मान निकालेंगे क्या बनेगा, 1% का होगा, ज्यादा से कम का मान निकालेंगे, ज्यादा से एक का मान निकालेंगे भाग करते हैं बटा में 20 हो जाएगा, और एक से ज्यादा का मान निकालेंगे क्या बन जाएगा, वो गुणा होगा 100 होगा गुणा में 1600 होगा बटा में 20 होगा, हल कर लीजिए, 2 20 5 105 बढ़ेगा, 16 5 80 बोले तो 8000 आ जाएगा, इतना सा बनेगा। यहाँ पर मतों की प्रतिशत का अंतर हमको पता था, और मतों का अंतर पता था, अंतर के अंतर प्रतिशत से तुलना करके सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर 100% कुल मत होते हैं, ये कुल मत है ना, और यहाँ पे ये जीता हुआ मत है और ये हारा हुआ मत है, ये हार गया था, तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, जो अंतर है वो कितना है 20% का है, और मतों का अंतर 1600 था, यहाँ पे अंतर का अंतर तुलना करेंगे, 20% का मान 1600 है, 1% का मान 20 से भाग करिएगा बटा में आ जाएगा, और 100% का मान निकालेंगे तो उससे गुणा होगा और प्रतिशत का मान बन जाता है ना। देखिए यहाँ बैठिए कोई भी दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लिए, सर में आई सवाल, ऐसे ही सवाल को लगाते हैं, सवाल में ये यहाँ पे ट्रिक है ये सब चीजें ना, कुछ सवाल होते हैं ऐसे बेसिक की बात कर रहा हूँ, ऐसे संख्या पद्धति होता है नंबर सिस्टम में, वहाँ बहुत ट्रिक का चक्कर नहीं पालते, क्योंकि वहाँ सीखना होता है हल करना, वहाँ जितना आप सीखे रहोगे तो वहाँ यहाँ पे ट्रिकों के माध्यम से बहुत सारे सवाल को हल कर सकते हैं। और एक आध दो और दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, इरेज नहीं करूँगा। एक फिर से कोई चुनाव ही हो रहा था, और एक चुनाव था ग्राम प्रधानी का, और इसमें क्या था, इसमें कह रहे हैं कि दो उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को 40, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, और वह 40% मेरे पास हार ही गया होगा, और वह 298 मतों से हार गया। तो यहाँ पूछी जा रहे हैं कुल मतों की संख्या पूछी जा रही है, वही अंतर का सवाल फिर से आ गया है, कुल मतों की संख्या यहाँ पूछ रहे हैं और विकल्प में बदल रहा हूं, सात सौ पैंतालीस है, 1460, 1490, 1500।
ये वही सवाल जिससे आप लोग गुजर के आ रहे हैं ऊपर जस्ट। यहाँ पर भी ये क्या हुआ, 40% मत प्राप्त करके कोई हार जाता है, और हारा कितने मतों से है, 298 मतों से पता हारा है। तो जीता हुआ कितना था, 60% रहा होगा, हारा हुआ यहाँ पे 40% है, 20% का जो अंतर है वो कितना है, 298 है। 100% का अंतर, 100% का मान जो हो जाएगा वो हल कर दीजिए बन जाएगा। जैसे क्या था, कुल मत हमारे पास यहाँ पे 100% होते हैं, जीता हुआ जो है 60% पाया हुआ है, हारा हुआ यहाँ भी क्या है 40% मत पाया है, कितना अंतर था 20% का है। 20% अंतर का मान जो है वो हमारे पास 298 है, 1% का मान कितना होगा, 298 बटा में 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 100% मतलब कुल मतों का मान निकालेंगे, क्या होगा, कुल मत के लिए 100% से गुणा करेंगे, 100 गुणा में क्या हो जाएगा, 298 बटा में 20 होगा। हल करिए 20 × 5 = 100, 5 से गुणा कर दीजिए आ जाएगा 5 × 48 बोले तो यहाँ पे कौन सा 1490। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या, यहाँ पर अंतर के बारे में बात कर रहा हूँ, कि इस टाइम कई सवाल यहाँ पे हैं। अब अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना हो तो आप जरूर मतलब बताइएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन पे दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वहां पे कर दूंगा, या फिर जो फॉर्म भरे हो फॉर्म से मैं ऐड कर दूंगा, फॉर्म अगर नंबर होगा तो। ठीक है, उस पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप भेजिएगा, शाम चाहे जब भेजेंगे हम लोग अवेलेबल होकर जल्दी से प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे कुछ और प्रश्न है, अब देखते हैं हम लोग कितना कैपेबल हैं, कैसे क्या कर पाते हैं। एक सवाल है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न में कुछ भाषा ऐसी लिखी गई है, उसी को हल करना है। इरेज कर दो ना, कुछ इरेज कर दो बस। देखिए, देखते हैं हम लोग को कितना पता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में मेरे पास आ चुका है, यहाँ लिखा है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बराबर 208 है, तथा यहाँ पर फिर लिखा है कि ए माइनस बी बराबर 4 है, तब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस में ए बी का मान निकालना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मान 208 है, ए माइनस बी का मान 4 है यहाँ पर, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि और ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है। इसको लगाने के लिए देखिए, यहाँ पे विविध का बात हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि सरलीकरण में कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसकी सहायता से आप लगाओगे सवालों को। अब देखिए कैसे लगा पाओगे, यहाँ विकल्प लिखा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखे तो विकल्प इसका, इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो 32 है, 52 है, 38 और 42 है। इन चार विकल्पों के साथ सजा हुआ सवाल है, लगाते हैं इसको। कर दिया जाए हल, देखिए जिनको आ रहा हो प्रयास करें, जिनको नहीं आ रहा हो मैं इनके लिए कर रहा हूँ काम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लिखा गया, जो मान दिया है उसी के साथ कुछ व्यवस्था बनाइए, उसका कोई फॉर्मूला होता होगा, हमको इनका मान पता है, इनका फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्लास 6-7-8 के अंतर्गत पढ़ा गया था ना, उतना हमको पता ही होता है सबको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी होगा इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा ए बी होगा, प्लस में ए बी होता है, ये फॉर्मूला है। अगर यही पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं माइनस, बाकी सेम यही रहता है। ठीक है, ये चीज है, तो यहाँ पे काम करेंगे, हम सबको इतना मान पता है, इसका मान कितना है 208 है, और बराबर में इसका मान क्या है, ए माइनस बी का मान हमारे पास 4 है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में ए बी का मान निकालना है। ठीक है, अब इसको करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ छोटा सा फॉर्मूला एक और बनाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। देखिए आपको इसका कुछ मान पता होता है, यहाँ मैं इसका मान निकालो, इसका जो मान है ये वाला, इसको पछाने करिए, ये यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और इसको बाई लाइन माइनस में क्या हो जाएगा 2ab बराबर में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab आ गया है, तो यही वाला मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाके रख देंगे, बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2ab होगा, और यहाँ पे क्या है आपके पास यहाँ लिखा गया है प्लस में ए बी। ठीक, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रहता है, नहीं पता था सबको इसलिए लिखा गया, बाकी अब हमेशा दिमाग में रहता है हाँ ये ऐसा ही होता है। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना था, हम लोग फॉर्मूला लगाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का,
क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी हो गया। ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, बाई ओर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, इसकी जगह पे ही मान रख दिया गया है। ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी मान सेट हुआ है। आगे हल करिए, यहाँ पर चार यहाँ गुणा में है, पूरे साथ गुणा में चार है, भाग कर देंगे, चार पंच बीस होगा, चार दूना आठ होगा, बराबर में क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ टू ए बी में से एक ए बी घटाएं क्या आ जाएगा माइनस में ए बी होगा। अब बताइए सवाल तो हो गई ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आ गया, बावन आ गया है, ये आपका बावन आ जाएगा। यहाँ पे केवल फॉर्मूले कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कोई ट्रिक काम, ट्रिक का मतलब देखिए फॉर्मूला तेजी से याद है आपको तो उसको ट्रिक कह लीजिए, अलग बात है ना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो उसको आप ट्रिक भले कह लो, बाकी ट्रिक का कोई खास याद वजह नहीं होता है। ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट था, ये सरसंख्या इसको कहते हैं, जिसको हम लोगों क्लास सिक्स सेवन एट में पढ़ा था, नाइन्थ में भी इसकी चीजें, ठीक है, मैथ के चैप्टर में। तो ये फर्स्ट ये सवाल लगा, इसमें कोई किसी को समस्या हो तो पूछिए कैसे क्या बनाया गया है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सेट करेंगे, वही लाके यहाँ रखा गया है, इतना फॉर्मूला वाला मान है, टू ए बी से एक ए बी घटेगा ए बी बचा है, और क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर था, और यही का मान निकालना था, इसका मान बावन आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न ऐसा है जो विभाजिता के नियम को, आपको विभाजिता के नियम से टच है, और वो प्रश्न है, कह रहे हैं कोई 10 अंक की संख्या है, कोई 10 अंक की एक संख्या है जिसको मैं लिख रहा हूँ 1330x558y2, ये क्या है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान निकालना है, ये बात है। सवाल में लिखा है कि 1330x558 ना, और फिर y और 2 है साथ में, ये कोई 10 अंक की संख्या, 10 अंक है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना जरूरी था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि हाँ इसको पता चले हाँ 10 है कौन कौन सा है। इतना लिखा गया, कह रहे कि ऐसा ये 8 से विभाजित होगा ना, 88 से विभाजित है पूरा पूरा, तो x और y का योगफल कितना होने वाला है, तो x y का योगफल निकालेंगे हम लोग, वैसे ऑप्शन में 9 8 7 6 है, ठीक है, ये चार विकल्प इसी के लिए काम करेंगे। अब आप सबको पता होना चाहिए कि 11 से किसी का विभाजिता के नियम कैसे करेंगे, जैसे 88 से विभाजिता के नियम की सवाल एक नहीं कई सवाल लगी है ना, एक मतलब बीच बीच में लगाया करता हूँ, लगती रहती है। तो आप देखिए 88 का मतलब क्या होता है, 11 गुणा में 8 होता है, 11 गुणा में 8 होगा, 11 88 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या अगर 88 कटेगा इसका मतलब 11 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट सकता है। अब 8 से कटना तो ठीक ठाक था, अगर पूछता कि एक्स वाई का मान क्या होगा अलग बात, यहाँ योगफल पूछा है, तो आप देखिए काम करिए, 11 से विभाजिता का नियम होता है क्या होता है, सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको आपस में जोड़कर अंतर निकालते हैं। सम स्थानों पर अंकों का योगफल और विषम स्थान पर अंकों का योगफल का जो अंतर होगा वो शून्य होगा, तो क्या होगा वो 11 से कट जाएगा। और 8 से विभाजिता नियम बता दिए साथ में, 8 से विभाजिता नियम क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, शुरुआत के तीन अंक को मिलाकर, शुरुआत के तीन अंक को मिलाकर अगर क्या हो गया 8 से पूरा कट जा रहा है, पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी, ये नियम होता है 11। लेकिन फिलहाल हम लोग 8 से विभाजन नियम से यहाँ कुछ नहीं चेक कर पा लेंगे, केवल होगा हमारा 11 से काम करेगा और एक्स वाई का मान निकल आएगा, उसकी वजह बताऊंगा। अगर वाई का स्पेशल मान एक्स का मान पूछा होता तो हम लोग करते, लेकिन यहाँ योगफल पूछा है, योगफल के लिए अलग काउंसर बनाइए। 11 से विभाजन नियम में क्या होता है, इकाई यहाँ पे क्या होगा, सम स्थान सम अंकों का योगफल, सम स्थान पर अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योग निकाल लीजिए, अंकों का योग, और ऐसे क्या निकालेंगे, विषम स्थान के अंकों का योगफल निकालेंगे। सम स्थान पर कौन होगा, सम स्थान बोले तो 2 सम स्थान होता है, 4 सम स्थान होता है, 6 सम स्थान होता है, 8 सम स्थान होता है, 10 सम स्थान, सम स्थान पर कौन कौन है, वाई है और कौन सा है, 5 है ना, और एक्स है और 3 है और क्या है, 1 है, जोड़िए 1 होगा प्लस में 3 है प्लस x है प्लस 5 है प्लस में क्या है यहाँ पर y है, कितना हो जाएगा 3 1 4 5 कितना हो जाएगा 9 होगा, क्या 9 प्लस x प्लस में y, यही तो है। अब इसके साथ क्या करेंगे, विषम स्थान वाला कौन होगा, विषम स्थान पर 2 है प्लस में इसका क्या हो जाएगा 8 है, यही तो है, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, ये हमारा विषम स्थान पर था। तो सवाल इसका रूल क्या होता है, सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का जो अंतर होगा वो शून्य होना चाहिए, पहले योगफल निकाल चुके हैं, अब इसका भी योगफल निकालें, 8 2 10 5 15 दिन क्या हो जाएगा, 15 दिन क्या होगा 18 बन गया है। अब क्या कहते हैं, दोनों का अंतर निकालना होता है, क्या करेंगे, देखिए सम स्थान पर विषम स्थान के अंकों का अंतर निकालेंगे, मान लीजिए विषम पहले घटाओ चाहे सम घटाओ, बात ठीक, बात एक ही होगा, 18 में माइनस कर रहा हूं मैं क्या
9 को और प्लस में x प्लस में y को, और ऐसे अंतर निकालने बराबर क्या होगा, 0 आना चाहिए। अब ये घटा लीजिए, घटाने पे क्या होगा, 18 में से 9 घटेगा, 9 आएगा, और माइनस के साथ यहाँ पे क्या होगा, x प्लस y आ जाएगा, वो अलग बात है, बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ x y को पीछे भेजिएगा, x प्लस y वाला पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना बन जाएगा, 9, तो x प्लस y का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये यहाँ पे बन के आएगा। ठीक, ये चीज था यहाँ पे, कोई किसी को दिक्कत तकलीफ हो बताइए। देखिए 11 से भाषा नियम यही होता है, सिंपल सा, समस्थान पर अंकों के योगफल और विषम स्थान पर अंकों के योगफल का जो अंतर होगा उसे हम लोग जीरो कहते हैं। उसी से हम लोग क्या निकाले, समस्थान के जो अंक थे निकाल लिया, विषम स्थान पर जो अंक थे सबका योगफल कर लिया, इसका 18 आया था, इसका 9 प्लस में एक्स प्लस वाई आया, घटा देंगे और आराम से बन जाएगी, हमारी सवाल बन गई है। ठीक, किसी को जरा सी कहीं तकलीफ हो बताइए। अच्छा, इसको मैंने दूसरी क्लास में बताया था, पहली क्लास में 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं द्वारा विभाजक नियम पढ़ाए गए बता जाने थे, और यहाँ दूसरी क्लास में आपको 11 वाला बताया था, पहले दूसरी क्लास सब रिकॉर्डेड है, आप जाके वहाँ चेक भी कर सकते हैं, और हाँ समय मिलेगा किसने पढ़ा भी देंगे, ऐसे चलते चलते। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न बहुत था, फिलहाल ऐसे करते रहेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर आप सबके लिए है, 3/4 होगा, 6/7 है, 9/14 है, 12/25 है, इसका क्या निकालना होगा, HCF, इसका मासा ज्ञात कीजिए। विकल्प मैं लिख रहा हूँ, आप सबको बताया गया था भिन्न का लासा, भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, 3/100, 1/140 होगा, 6/175। SCF निकालना है, भिन्न का SCF के लिए क्या करेंगे, अंश का SCF होता हर का LCM करते हैं, जो निकालना है उसे अंश में करते हैं ना। SCF निकालना क्या होता है, भिन्न का SCF क्या होगा, अंश का SCF निकालेंगे, अंश का HCF होगा और फिर हर का क्या हो जाएगा, हर का LCM होगा। देखिए अगर भिन्न का SCF, L का, यहाँ पे हर का LCM निकालना है, तो क्या कीजिए, जो अंश है, अंश में 3, 6, 9, 12, बताओ किससे कटेगा सब संख्या, 3 से कटेगा, अंश में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, नहीं लग चल पाए काम इससे ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन 3 है, एक देखकर नहीं काम कर पाए, इसका मतलब हर को देखिएगा, हर में देखिए 4 है 7 है 14 है 25, इनका इनका सबका लासा क्या होगा, लासा अगर किसी संख्या का पहाड़ा होता है तो पहाड़ा में सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन यहाँ पहाड़ा नहीं है। देखिए 4 का खुद ही 2 और 4 हो जाएगा, है ना, मैं क्या तोड़ूंगा, या फिर कह सकते हो आप 2 × 2 कर दीजिएगा, और 7 का खुद ही 7 रहेगा, और 14 का क्या हो जाएगा, 7 × 14 क्या होगा, 7 × 2 बन जाएगा, और 25 का कुछ किसी से कॉमन नहीं होगा, 5 × 5 रह जाएगा। ठीक है, कॉमन यहाँ पे केवल एक बार ये है, ये बार कॉमन है, तो 7 एक बार कॉमन है 7 होगा, एक बार कॉमन यहाँ पे 2 है 7 × 2 = 14 होगा, बाकी यहाँ पे 2 बन रहा है, बाकी यहाँ पे क्या है, दोनों 5 5 कॉमन नहीं है, 5 × 25 लिख देंगे, 7 × 2 = 14 होगा, 14 × 28 होगा, 28 का 25 गुणा कर दिए, बताइए कितना आएगा, 700 आ रहा है क्या, आना चाहिए ना, क्या होगा यहाँ पे, 700 बनेगा, 3/700, ये था सवाल में। तो कभी कभी सवाल को पूरा लगाए बिना लगा सकते थे, मैं जानबूझ के SCF पहले निकाले, क्योंकि आप सोचो सबसे पहले क्या हम काम SCF करते हो, SCF निकाल लेते, लेकिन जब कई चीज कॉमन होते हैं इसलिए वहां पे ऐसा कुछ निकाले जो कॉमन ना हो सब में, और वही आंसर गेस कर सके ना, इसमें क्या होगा, आपको LCM निकालना पड़ेगा। वैसे जो सब में मिल रहा होता है उसको थोड़ा इग्नोर करो, जो सब में ना मिले उसको थोड़ा सा उसी को और बढ़ेंगे तो जल्दी आ जाती सवाल। ऐसे हर सबका अलग अलग है, हर में क्या है, LCM, LCM निकाल लो, LCM कॉमन नहीं पड़ेगा, कम से कम 1 सेकंड तो बचा सकते हैं, 2 सेकंड, तो LCM, SCF के लिए इतना पड़िए, LCM के लिए पड़ जाएंगे, तो ऑप्शन देकर काम थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये चीज था। ये ही देखते हैं एक बार, एक प्रश्न है, यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 1 2 3 7 8 1 2 3 7 0 1 2 3 6 3 1 2 3 8 ऑप्शन है ये, इसमें कौन संख्या जो 6 से विभाज्य है, ये ऑप्शन है 6 से भाज्य संख्या, इनमें से कौन संख्या से 6 से भाज्य है। अब 6 से भाग करना थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, 6 से भाज्य का नियम होता है,
क्या होता है, छह से वो संख्या कटती है जिसका जो दो से भी कट जाए और जो क्या हो जाए तीन से भी कट जाए, क्योंकि दो तीन छह होता है। दो से कटने के लिए सम होना चाहिए, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि का एक मान सम नहीं है। तीन से कटने के लिए क्या नियम होता है, सभी अंकों का योगफल तीन से कट जाएगा, संख्या तीन से कटती है। सभी अंकों का योगफल तीन से कट जाएगा और संख्या तीन से कटती है। सभी अंकों का योगफल निकालते हैं, एक बार कोई ट्राई करिए, दो एक तीन, तीन छह और छह सात छह तेरह होगा, तेरह आठ कितना हो जाएगा इक्कीस बना क्या, और इक्कीस क्या होगा तीन से कट जाएगा। मतलब पहले को आप कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। दूसरा भी करना होगा चेक करते हैं, वैसे नहीं बनेगा, सात तीन दस, दस दो बारह, एक तेरह नहीं कट रहा है। सभी संख्या में सभी अंकों का योगफल अगर तीन से कट जाएगा तो संख्या क्या होगी, तीन से कटेगी, और इकाई का मान सम है जिसका मतलब वो छह से भी कट जाएगी, क्योंकि इकाई वो क्या होना चाहिए, दो और तीन रोज कटना चाहिए तभी छह से कटने वाली बात होगी। तो यहाँ पे किसी भी संख्या से विभाजिता का नियम पता रहेगा तो हम सवाल को बिना भाग दिए लगा सकते हैं, और बड़ा आसान सा होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसको करके आगे अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये थे सवाल, और कुछ एक आधो सवाल दिखाता हूँ। सर जी आ गए हैं जस्ट, लेकिन मंगलवार से मेरी क्लास लास्ट में ही अच्छा रहेगा, मतलब मेरी भूख कभी मिटती नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे भूख, हाँ भूख पता नहीं कैसे, लेकिन खाने के बाद नहीं मिटती है, खाने की नहीं कुछ ऐसा ही। एक घंटे का एक मिनट बारह सेकंड कितना प्रतिशत है, एक घंटे का एक मिनट बारह सेकंड कितना प्रतिशत है, 2% 12 11 और 1.2। एक घंटे का दो मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, एक घंटे का एक मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड सब है, सबको एक मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 72 सेकंड हो जाएगा, इसका सेकंड निकालते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड होगा। एक घंटे में 3600 सेकंड हो गया और यहाँ पर जो समय दिया था इसमें 72 सेकंड आ गया है। ठीक है, 3600 सेकंड, यहाँ पे ये जो 72 है 3600 का कितना परसेंट है, किसमें लिखा है इसका, का लिखा है एक घंटे में, तुलना करना है एक घंटे में, जिससे तुलना करना होता है उसको हर रखते हैं, जिसका करना उसको ऊपर ले जाओ। तुलना करना है 3600 से 72 का, 72 बटा 3600 होगा, बताइए कितना आ जाए, गुणा में 100 कर देंगे, प्रतिशत मान निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 36 गुणा 72 होगा, डबल डबल कट जाएगा, कितना आ जाए आपका, 2% मान आ जाएगा। सही लगी सवाल, क्या होता है जब भी किसी मान का तुलना करके प्रतिशत मान निकालते हैं, सभी को एक मात्रक में कन्वर्ट करिए। एक घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगा, एक मिनट में 60 सेकंड, 12 सेकंड प्लस में था, 60 70 तो 72 सेकंड हो गया। 3600 सेकंड का जो मान है वो 72 जो है, 72 कितना परसेंट इसका है, जिससे तुलना करना है, जिसमें का लगा है उससे तुलना करना होगा, उसको नीचे ले जाइए और बाकी अंश में क्या होगा, दूसरा वाला अंश में रख के मान निकाल देंगे। प्रतिशत मान निकालना है, सबसे गुणा करना पड़ता है, आ जाएगा हमारा 2%। कुछ ये थी सवाल, ठीक है, फिलहाल मिलेंगे फिर से नए सवालों के साथ में। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो अभी तक जितना पढ़ाया गया है, आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज के क्वेश्चन भेज के सवाल कर सकते हैं, वहाँ करवा सकते हैं, हम लोग वहाँ बताएंगे। अगर ज्यादा डिस्कस करना हो क्लास में आके पूछ लीजिएगा बाद में, फिर क्लास के बाद, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, अगली क्लास हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जो होगा वो आई होप लाभ हानि होना चाहिए ना, लाभ हानि या बट्टा होगा, जो भी होगा अगला चैप्टर जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग होगा उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रसत्ता के संबंध में किसी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अच्छा, ये ऑफर अच्छा है वैसे, व्हाट्सएप पे जाके फोटो भेजिए, चाहे ग्रुप में भेजिए फोटो, ग्रुप में सारे बच्चे इनेबल रहेंगे, सब अपना कमेंट वो मतलब चैट कर सकते हैं, फालतू चैट नहीं होगी वहाँ पे। दूसरी बात क्या होगी, आप चाहे तो पर्सनल मैसेज करके आप टीचर से पूछ सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन क्या होगा, कोई जान भी ना पाए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कोई किसी से, नहीं तो ये होगा कि हम इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे ग्रुप में बैठे, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, किसी का ऐसे ग्रुप में नंबर ऐड नहीं होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा फोन पे, तो मैं कर दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, मिलते हैं फिर से नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।